नवकार मंत्र के बाद अब हम विधि में आगे बढ़ते हैं। कलश पूजन। ओ कलशाय नमः। त्वत्तोय सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता। प्रार्थयामि च त्वां कुम्भ वञ्चिदर्थं तु देहि मे। ओ त्वत्तोय सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता। प्रार्थयामि च त्वां कुम्भ वञ्चिदर्थं तु देहि मे। हम आपको नमन करते हैं। संपूर्ण तीर्थ आप में समाये हुए हैं। संपूर्ण देवगण आप में स्थित है। आपकी कृपा से हमारा यह विवाह यज्ञ सर्वान सुंदर रूप से पूर्ण हो। कलश पूजन के बाद मात्र का पूजन। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरः द्रुति पुष्टि स्तता तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गौर्यादि षोडश मातुभ्यो नमः। इसका भावार्थ है कि गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा माता लोकमाता द्रुति पुष्टि तुष्टि तथा अपनी कुलदेवता इन 16 माताओं को हम नमन करते हैं। अब मातृका पूजन के बाद नवग्रह पूजन होगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु सर्वे इसका भावार्थ है कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी कृपा से सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु ये संपूर्ण ग्रह हमारे लिए शांतिदायक है। अब इसके बाद वर स्वागत होगा। विवाह मंडप में आए हुए वर राजा को कन्या के पिता पूछते हैं। साधु भवानास्ताम अर्चयिष्यामो भवन्तम्। इसका भावार्थ है कि आप सज्जन हैं आपकी पूजा करूं। वर राजा कहते हैं अहम साधु भवामि माम अर्चय। इसका भावार्थ है कि मैं सज्जन बना रहूंगा आप मेरी पूजा करें। अब कन्या के पिता वर राजा को विष्टर देते हैं। विष्टर माने आसन। विष्टर के रूप में कुश या पुष्प दिया जाता है। कन्या के पिता विष्टर देते हुए कहते हैं विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यता। वर राजा कहते हैं प्रतिगृह्णामि रिम श्रेष्ठोऽस्मि वैसमानानाम् उद्यतामिव भास्कर तिष्ठामि त्वं अदः कृत्वा य इदं मे विधीयते। अब वर राजा विष्टर को अपने आसन के नीचे रखकर बैठते हैं। कन्या के पिता पवित्र जल से विष्णु स्वरूप वर राजा का पहले बायां और बाद में दाहिना पांव धोते हैं और पांव धोते हुए कहते हैं ओम पादाद उदकम
पादार्थ उदकम् पादार्थ उदकम् प्रतिगृह्यताम्। इसका भावार्थ है कि आप पांव धोने के लिए इस जल का स्वीकार करें। पर राजा कहते हैं ओम प्रतिगृह्णामि। अब दूसरा विष्टर दिया जाएगा। कन्या के पिता कहते हैं विष्टरो विष्टरो विष्टर प्रतिगृह्यता। वर राजा कहते हैं प्रतिगृह्णामि। कन्या के पिता वर राजा के पांव पोंछकर कुमकुम लगाकर भाल प्रदेश पर तिलक करेंगे। कन्या के पिता वर राजा को हाथ में अर्घ्य पात्र लेकर कहते हैं अर्घो अर्घो अर्घ प्रतिगृह्यताम्। इसका भावार्थ है कि आप इस अर्घ्य का स्वीकार करें। वर राजा कहते हैं प्रतिगृह्णामि। प्रतिगृह्णामि बोलकर अर्घ्य को पकड़कर सिर तक ऊपर ले जाकर पानी को तांबे के पात्र में डालकर अर्घ्य देते हैं। अब कन्या के पिता वर राजा को आचमनियम जल देते हैं। आचमनियम जल देते हुए कहते हैं ओम आचमनियम 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 प्रतिगृह्यताम्। वर राजा कहते हैं ओम प्रतिगृह्णामि। मधुपद कांसा के पात्र में घी दही और शहद का मिश्रण करके कन्या के पिता उस पात्र को दूसरे पात्र से ढककर वर राजा को मधुपर्क देंगे। यह मधुपर्क पृथ्वी का अमृत है। मधु मधुरता का, घी पोषण का और दही एकता का प्रतीक है। इस तरह मधुरता पुष्टि और एकता के भाव द्वारा वर राजा का सम्मान हो रहा है। कन्या के पिता वर राजा को मधुपर्क देते हुए कहते हैं मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्क प्रतिगृह्यताम्। प्रतिगृह्णामि कहकर वर राजा मधुपर्क को खोलकर उसमें देखकर कहते हैं समीक्षामि यथा सर्वाण्यहं भूतानि चक्षुषा तथा हम मधुपर्कं च प्रतीक्षामि खलु प्रभो। वर राजा मधुपर्क को बाएं हाथ में पकड़कर दाहिने हाथ की अनामिका अर्थात अंतिम से दूसरी उंगली से मिश्रण को हिलाकर भूमि पर थोड़ा सा डालते हैं। इस विधि के बाद अपने हाथ धोकर आचमन करके फिर से हाथ धोते हैं। न्यास। अब न्यास की विधि होने जा रही है। मंत्रों को बोलते हुए शरीर के अलग अलग भाग पर पानी का स्पर्श कराने की क्रिया को न्यास कहते हैं। यह विधि शक्ति के लिए है। पर राजा कहते हैं रिम वाम अस्यस्तु अर्थात मेरे मुख में शक्ति हो। रिम नसोर में प्राणोस्तु अर्थात मेरी नासिका में शक्ति हो। रिम शक्ति रिम अक्षनोर में चक्षुरस्तु मेरी आंखों में तेज आए। रिम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु मेरे कर्ण में शक्ति का वास हो। रिम बाहुर में बलमस्तु मेरे बंधों में शक्ति बनी रहे। रिम उर्वोर में ओजोस्तु मेरे पैरों में शक्ति का वास हो। रिम अरिष्टानी में अंगानी तनुस्तन्वा में सहसंतु मेरे पूर्ण शरीर में शक्ति का निरंतर निवास हो। वर पूजन। अब कन्या के माता पिता अपने दामाद के कपाल पर चंदन तिलक करके कुमकुम अक्षत से उनका पूजन करेंगे। इस पूजन के द्वारा व्यक्ति के भाल प्रदेश यानी कि बुद्धि की पूजा होती है। तिलक का स्वीकार करते समय वर राजा भी मन ही मन मानो कह रहे हैं कि वे स्वयं आजीवन सद्बुद्धि वाले व्यक्ति बने रहेंगे। ओ
ह्रीं श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधार्यम सुमनोहरम अर्पयामि नमस्तुभ्यं कमलापति रूपदु श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधार्यम सुमनोहरम अर्पयामि नमस्तुभ्यं कमलापति रूपदु। कन्या पूजन। अब कन्या से माता पिता से विनती है कि वह कन्या का पूजन करे। कन्यादान संकल्प। स्वजनों, अब लग्न संस्कार की महत्वपूर्ण विधि शुरू हो रही है। कन्या के माता पिता को कन्यादान का संकल्प करवाया जाएगा। हमारी संस्कृति ने कन्यादान को महादान कहा है। घर की लक्ष्मी जैसी कन्या अन्य घर की महालक्ष्मी बनती है। ओम कन्या कनक संपन्ना कनकाभरणैर्युता दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीष। विश्वंबरं सर्वभूतः साक्षीण्य सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां तारे।